अरे भाई रामू, अब तू पैर तो दबाता है मगर मजा नहीं आता, सुकून भी नहीं मिलता होगा मालिक। तुझे कैसे पता? क्योंकि मेरे हाथ पैरों तक ही रहते हैं, सुकून तक नहीं। ओए थप्पड़ मारूंगा, हाथों में जान नहीं रही क्या? सही से दबा। जान रहेगी भी कैसे मालिक, सारी जान तो खुद को सुकून देने में निकल जाती है। बकवास कर रहा, चाय का पानी लेगा मेरे ताई। कोई भी काम ठीक से नहीं करता कम वक्त। आंख दिखा रहा और धोकर आया ना? धोकर लाया हूँ मालिक। आप गुस्सा बहुत करते हो, मेरी मानो तो आप ब्याह कर लो, घर में रौनक भी रहेगी और हमारा भी मन लगता रहेगा। शाबाश बेटे शाबाश, ब्याह की टेंशन हमले में और मन तो लगाएगा। इसमें हर्ज क्या है मालिक, क्या उनके साथ बधुए को भी पानी लगता रहेगा। तो एक काम कर बेटे, फिर ब्याह की टेंशन तू ले ले, मन में लगा लूंगा। अरे नहीं मालिक, टेंशन बड़े लोगों को ही शोभा देती है। वो क्यों? क्योंकि मालिक गरीब आदमी ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हुआ अच्छा लगेगा। मुझे देखो, घुटन्ना तक अंदर से फटा पड़ा है। दिखाइए। देखो। अबे तो कम वक्त फटा हुआ घुटन्ना पहना क्यों है, सिलवाता क्यों ना है इसे? अरे मालिक ये तो आप अपने आप से पूछो, जब से मालकिन बनी है रोज रोज को अपने धोरे सुलाते हो। अबे कम वक्त आहिस्ता आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। सुन लेने दो, सबको भी तो पता चले तुम्हारे रात को कितनी फटती है। तू तो नाराज हो गया रामू, चल मैं ब्याह तो कर लूंगा मगर कोई लोंडिया भी तो होनी चाहिए। मालिक ये हुई ना बात लंबरदार वाली। मालिक लड़कियों की टेंशन मत लो, लाइन लगा दूंगा लाइन। लाइन लगा दूंगा? हाँ। अबे ये धंधा कब शुरू कर दिया तैने, तभी कमजोर हो रहा दिन पे दिन। क्या 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 मालिक, कैसी बेफजूल की बात कर रहे हो? तो फिर क्या लोंडिया पेड़ पलटा करी है? देखो मालिक, आप हो इस लंबे पुर के लंबे लंबरदार मालिक, आपके लिए रिश्तों की क्या कमी, ये देखो। कौन है यू? लड़की है यो, कैसी लगी? मेरे पास एक रिश्ता है। बढ़िया ना बकबक ये कतई, मीठी सी ढूंढ कोई, बिल्कुल खराब है। अच्छी ना है? हट। तुम टेंशन मत लो मालिक, वो छोटा गांव ना है, छोटे गांव के बड़े जिम्मेदार जो हैं, उन्हें जानो आप। हाँ हाँ। उसकी एक सुंदर सुशील लड़की है, तुम कहो तो चलाऊं बात। अरे भाई लड़की का नाम वाम तो बता, क्या नाम है उसका? छोटे गांव की बड़ी जिम्मेदार लड़की का नाम डालिया। डालिया? हाँ। अरे यू कैसा नाम है, आलिया सुना है, मालिया सुना है, जालिया सुना है, यू डालिया क्या चीज है? अरे समझो मालिक, जिमीदार का बाप पोस्टमैन था, तो पोस्ट मास्टर उसे चिट्ठी देकर कहता था जा गांव में एक चिट्ठी डालिया, तो तब से बूढ़े का नाम डालिया पड़ गया, तो फिर दादा के नाम से पोती का नाम भी डालिया पड़ गया। अबे ये कैसा खानदान है यार इनका, बाप पोस्टमैन बेटा जमींदार। देखो मालिक समझो, बाप पोस्टमैन था, सबके यहाँ डालता था। क्या डाक? तो फिर क्या, एक दिन सही जगह डालाया। क्या डाक? और दिन क्या अलग अलग डाला था? क्या 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 डाक? अरे मालिक सही जगह पर सही समय सही डाक पहुंचा दी, तो उससे पाड़ी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, सारी जमीन जायदाद डाकिया के नाम कर दी। अच्छा पार्टी इतनी खुश हो गई, ऐसा क्या कर दिया उस बुढ़ो ने? मालिक सुकून भी कोई चीज है। सुकून? कैसा सुकून? अरे मालिक उसका बेटा 20 साल पहले खो गया था, उसके मिलने की खुशखबरी का खत मिलते ही बताओ कौन खुश नहीं होगा। बात करते हैं, बोलो बोलो अब। चलो छोड़ो, अब जल्दी तैयार हो जाओ, लड़की देखने चलना है। अरे मैं ना कर रहा ब्याह ब्याह। क्यों? अरे मेरी मर्जी, मेरा ब्याह ना कर रहा मैं, अब ना मेरा मन। अरे मालिक अभी तो फोटो देख के ऐसे कर रहे थे, अभी तो तुम राजी हो गए। देख भाई रामू बात है ऐसी,
मेरा नाम रुतबा देख के, जमीन जायदाद देख के कोई भी लड़की मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी लड़की मुझसे शादी करे वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करे, मेरे दिल से प्यार करे, मेरी आत्मा से प्यार करे, मेरे मन से प्यार करे, मेरी धड़कन से प्यार करे, मेरी आंतों से प्यार करे, मेरी पोटा कलीजी से प्यार करे। देखो मालिक, ब्याह तो तुम्हें करना पड़ेगा, वैसे एक बार लड़की देख तो आओ, कभी तुम्हें प्यार करने वाली मिल जावे। वैसे मैं तुम्हारे धोरे रातों को ना सोने का अब, क्योंकि मालिक मेरी काया में दर्द हो रही है अब। अरे कोई बात नहीं, आज और सो जाइए बस। आज मैं बिल्कुल ना सोने का, तुम ब्याह कर रहे हो तो करो ना, तो मैं जा रहा हूँ नौकरी वोकरी छोड़ के। अरे चल कोई ना, चल तू इतनी जिद कर रहा है तो ब्याह तो मैं कर लूंगा। हाँ मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? देख अगर वहाँ चलेंगे तो मालिक बन के चलेगा तू, और मैं चलूंगा तेरा नौकर बन के। अरे मालिक कैसी बेफजूल की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें किधर से मालिक लगता हूँ, मैं तो एक मिनट में पकड़ा जाऊंगा। रोज रात को जब कमली की झोंपड़ी से कुत्ता बन के बाहर निकले तब तो ना पकड़ गया। अरे मालिक बनने में रखा ही क्या है, बस ढंग से चलना ही तो है। चलना है तो देखो मालिक, मैं तुम्हें चल के दिखाता हूँ। हाँ 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 बिल्कुल, उधर से आऊँ उधर से। हाँ उधर से। अबे कैसे चल रहा है, मालिक बन के चल, तू तो ऐसा चल रहा है जैसे माल लूटने वाले चले हैं, जेब कतरा कहीं का। चल दोबारा। मालिक अब का देखना तुम। अबे यार अब तो तू ऐसे चल रहा है जैसे तू दस्त लग रहे हो, तेरे घुटनों में दर्द हो, ऐसा तो खुजली वाला कुत्ता गाड़ी के नीचे से निकला है। हट, मैं दिखाऊंगा चल के देख। हाँ दिखाओ, यहाँ बैठ तू। हाँ तुम चल के दिखाओ। गौर से देखिए मुझे। हाँ चलो। वाह मालिक वाह, तुम सही चले हो मालिक। लेकिन मालिक मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने मुझे चश्मा ना दिया, ना तो सेम टू सेम ऐसी चल के दिखाता। तेरे बाप दादाओं ने भी कभी चश्मे लगाए हैं? चल फिर ले। अब ऐसे चल के आना है, ठीक है? हाँ हाँ। कैसा छिना लो की तरियों कर रहा। अब बड़ा लग रहा, अब लग रहा मालिक। रख लूं? हाँ रख ले रख ले। रुको मालिक साहब, अब मैं फोन कर लूं। हाँ हाँ। राम राम जी, आप छोटे गांव के लंबरदार बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ लंबे गांव के लंबापुर के लंबरदार आदमी। हाँ हाँ हाँ, हम रिश्ता देखने आ रहे हैं, किसी ने तुम्हारे घर हमें लड़की बताई है डालिया नाम की, तो हम उसका रिश्ता देखने आ रहे हैं कल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाजी ना हमें दहेज वहेज कुछ ना चाहिए, हमें तो तुम चार कपड़ों में लोंडिया दे दियो बस। हाँ ठीक है। अरे ये नौकर था। हाँ राम राम जी। ले पैर दाव, बतेरा मालिक बन गया। औकात यही रहनी चाहिए तुम्हारी। मालिक अगर ऐसा वहां चलाना तो शक हो जाएगा। अरे वहां ना यही कर रहे हैं बस। हाँ तो तू मालिक मैं नौकर। लेकिन मालिक मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम वहां मेरे पैर दाबोगे ना, इसलिए। चल कोई ना, एक दिन में कुछ ना हो रहा यार। कम से कम मुझे सच्ची मोहब्बत तो मिल जाएगी। तुझे कब तक कूटूंगा मैं। भी करना है हिसाब किताब से करना। हाँ 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 ठीक है मालिक, मैं सही लग रहा हूँ ना? अरे बढ़िया लग रहा, तू तो मालिक से लग रहा है एकदम। वैसे मालिक नौकर से तो तुम भी लग रहे हो। सही बता। हाँ। अबे
चश्मा तो लगा ले कम वक्त। मालिक, मैं तुम हुआ मालिक ना कहने का? हाँ हाँ हाँ। मालिक आ जाओ, यही घर दिखा है। चल चल चल। अरे कोई है क्या? अरे कौन है भाई? अरे हम हैं। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, जीत रहो जीत रहो, आओ बैठो। पीछे खड़ा जा, पीछे। कौन है यो? अरे ओ नौकर है। अच्छा, वैसे तुम ही हो के वो छोटे गांव के? हाँ हाँ हाँ, वो मैं ही हूँ, छोटे गांव का बड़ा जमींदार। जमींदार तू? हैं हैं, मुंह से तो नहीं लगते। क्यों? इंसान कर भी कह सकता है। क्यों, क्या खराबी मेरे मुंह में? अरे खराबी तो खैर बहुत है, मगर फरमे में एक बार सांचा ढल जावे है तो उसे बदला भी नहीं जा सकता। अबे तू है कौन जो मेरे घर में मेरी बेइज्जती कर रहा? अरे वो अभी बताया नहीं था, नौकर है। साले ये नौकर है? ये ऐसे नौकर है? साले सिरियाने बैठ रहे हैं ये, बड़े जलील और बदतमीज नौकर हैं ये तो। अरे क्या है, छोड़ो, इसके मुंह का लग रहा हूँ नीच के। नीच? बताओ देखो, छप्पर पे हाथी बैठा। हाथी? अरे ये क्या हो रहा भाई? कुछ ना, मक्खी बैठी थी। मक्खी मक्खी तुम्हारे बैठी है? अरे रहने दे यार, उड़ गई। मधुमक्खी थी, काट लेती ना। अरे चुप खड़े रहो। कौन है यो? ये अरे बताया तो था, नौकर है यो, इसका प्यार हो यो, बहुत प्यार करे, बचपन से पाला है। इसका प्यार था यो? हाँ हाँ। अब जब प्यार ऐसा तो गुस्सा कैसा होएगा इसका? ना जी ना, गुस्सा ये करता ही ना है। खैर छोड़ो, मायसेल्फ लंबादार लंबा राम, वैसे हम यहाँ रिश्ते के लिए आए थे। अरे मालिक, तुमसे तो परिचय कराने भी ना आता। ये है लंबेपुर गांव के सबसे लंबे कारोबार वाले लंबरदार लंबा राम। ओहो, समझ गया समझ गया, इनका सब कुछ लंबा है। हाँ, और गोल भी। क्या? अरे मतलब इनकी बहुत बहुत लंबी चौड़ी खेती है, बहुत लंबे चौड़े चौड़े खेत हैं। सबसे बड़े लंबरदार है हमारे गाँव के ये। ओहो हाँ, ऐसे तो हम भी खानदानी जमींदार है। ओए होए, मुंह तो तुम्हारा हमारे घर के पजामे जितना भी ना है। साले, मेरे होने वाले ससुर से ऐसी बातें करता है, अगर एक शब्द भी और बोला ना तो जूते से कुटूंगा। मारो, काका से ठाला इन्हें। अरे ये तो जमींदार हो ही नहीं सकता, मैं पक्का कह रही हूँ। क्यों भाई, हम जमींदार क्यों हो सकते? अरे ये तो देखने में ऐसा लगता है जैसे चोर पकड़े जाने पर कहता है, हुजूर मुझे छोड़ दो, जब बीबी मई के चले जाए तो मुझे बुला लेना वापस। अरे भाई, बीवी के जाने के बाद क्यों? अरे घर का काम करने के लिए, गलत मत समझो। साले हरामी बदतमीज बोलिया, अभी रुक। खबरदार, अगर जमींदार साहब से उल्टा सीधा बोला वरना इसी जूते से तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अरे कहाँ से ठाव फिर रहे हो इन्हें? अरे खैर छोड़ो, मोची जिस फरमे में जूता फंसा कर कील ठोकता है ना, तुम्हारा मुंह तो वैसे भी ना है, मगर इंसान कर भी कह सकता है, एक बार फरमे में सांचा ढल गया तो ढल गया। अरे लंबरदार, ऐसा तो हमसे बहुत लोगों ने कहा है। तो फिर? मगर मैंने किसी की नहीं मानी, पर तुम्हारा नौकर है बड़ा वगैरह। बे ना मानेगा तू, चल इधर आ, मुर्गा बन, बे बन मुर्गा, आ इधर आ। मानता भी नहीं तो तुम्हारी बात, मानेगा भी मानेगा, अबे बन मुर्गा। बहुत जोर से लगी है। कैसी लगी, आया मजा? हट। अरे कैसे जमींदार है ये, हैं? घर पे मेहमान आए हैं, पानी तक पिलाया ना इन्होंने, ये जमींदार है? अरे रहने दो,
कोई जरूरत ना है, हम तो घर से खा पी के निकले। हाँ हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है ठीक है, अरे रिश्तेदार तो ऐसे कह नहीं है, इतनी शर्म तो तुम्हारी आंखों में होनी चाहिए। कोई आया है रिश्ते वाला, पानी नहीं पत्ता नहीं कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। जा तो रही हूँ, जा रही हूँ, अभी लेकर आ रही हूँ। चल जाएगा लेगा कुछ। मुर्गा बन मालिक, आस्ते आस्ते मानना। साले दो कोड़ी के नौकर, तुझे मालिक क्या बना दे तो हमें जूते मारेगा। मालिक तुम्हारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, आ सर्फ एक्सल तो धोऊंगा घर जाए कहीं ने। ये लो पानी। अरे इतनी जल्दी पानी लिया है, वो भी एक ही गिलास, हम क्या पियेंगे। चलियो इस सिकल के, तुझे मैं पानी पिलाऊंगा ना, हमारी सिकल तो जूते जैसी है, चप्पल जैसी है। तुझे मैं पानी पिलाऊंगा ना, हमारा मुंह तो खराब है। तो खाली पानी से क्या हो रहा है, नमकीन बिस्कुट चाय पकौड़ी बर्फी कुछ तो लेकर आओ। कैसे जमींदार हो तुम? कैसे जमींदार है, ऊंचे जमींदार है, बड़े जमींदार है, तगड़े जमींदार है। एक मिनट में लेकर आता हूँ अभी चाय कॉफी। अरे रहने दो रहने दो, मैं तो चाय कॉफी पीता ही नहीं, आप यहीं रहो, तकलीफ मत उठाओ। अरे ऐसा कैसा ना लाम है, तुम्हारा नया नया दामाद आया है, हैं? तुम चाय नहीं बूझ रहे, कॉफी नहीं बूझ रहे, पाप लगेगा पाप। मैं भी तो यही कह रहा हूँ उससे। अरे रहने दो जमींदार साहब, सारे पाप मैं अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन आप मत जाओ। अरे ऐसे कैसे, आप हमारे घर पे आयो, हमारे मेहमान हो, चाय कॉफी तो पूछेंगे हम। अरे ले आओ तुम। हाँ भी जाओ भी ले आओ। अरे दो मिनट में आ रही हूँ, दो मिनट में। अरे बालू साई ले आइयो। हैं? बालू साई ना बोलाऊंगा, काजू कतली। हाँ काजू कतली है नी। हाँ आपके जाने के बाद मुझे खातिरदारी बहुत महंगी पड़ती है जमींदार साहब। महंगी पड़ी। अरे ये कुछ नहीं कह रहे, जाओ तुम, ये तो कह रहे हैं काले वाले रसगुल्ले ले यो। ओहो हाँ। टेंशन मत लो, खातिरदारी बहुत कैड़ी करूंगा, एक नंबर खातिरदारी। अरे ट्रे रह गई। साले हमसे पैतरे, नीचे झुक झुक। मालिक यहाँ मत करना, घर की बात हो रहे हैं। साले पीटने के लिए झुकवा रहे हूँ। अरे मालिश कर रहा हूँ मालिश, दर्द हो रहा है बहुत, काया में इनकी। अरे अभी चाय कॉफी बन रही है, अरे रसगुल्ले मैंने लेने भेजा है लोंडा। अरे तुम तो बड़ी जल्दी आ जाओ हो, तो एक काम करो, एक डिब्बी सिगरेट के लिए आओ। सिगरेट की? हाँ चलो फिर। रहने दो रहने दो, सिगरेट तो मैं पीता ही नहीं। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, तुम हमारे घर आयो, सिगरेट तो पिलांग गई हम तुम्हें। अरे मेहमान तो मैंने कर रही है, तुम ले आओ, सब पियेंगे ये। अरे तुम हमारे घर आयो, हम तुम्हें बिना खिलाए पिलाए थोड़ी भेजेंगे। जाओ ले आओ। अभी जाता हूँ नूकर का एकदम। तूने साले बड़ी जोर से छापा था, अब देख तमाशा जूते का। थुए। ओ तेरे की। सच में छाप दिया। ऐसे कोई मारता है कि मालिक? अरे बड़े गलत आदमी है यार ये तो, एकदम आ जाना जल्दी सही। आप बिल्कुल सही वक्त पर आयो। लो जूता लो, तुझे बताऊंगा। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ ना कुछ ना। खेल रहे हैं जूता जूता खेल रहे हैं, जूता जूता खेल रहे हैं। थू 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 थू। अबे कितना सारा थूकेगा? थू जितनी वहाँ जगह है ना, ज्यादा ही लगेगा। अरे जमींदार साहब तुम छोड़ो इन सब बातों को, अब फटाफट लड़के को बुलवाओ। लड़की लड़की अभी ब्यूटी पार्लर पे गई है। अच्छा अच्छा ब्यूटी पार्लर, तबीयत खराब है क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो, ब्यूटी पार्लर पे गई है सजने भस्मा लगाने। अरे जमींदार साहब एक बात बताओ, आप कभी नहीं गए क्या ब्यूटी पार्लर? नहीं जी। मना कर दी होगी ना? क्यों? सिकल इतनी बुरी है। कौन बिठा रहेगा अंदर? नंबरदार समझा लो अपने नौकर को। चुप बदतमीज।
तमीज नहीं है बिल्कुल भी। अरे काम करो यारो, सुबह से बैठे हैं यहाँ, पानी पिलवाया पिलवाया के तुमने मान लिया पेट भर गया हमारे यहाँ। कुछ खाने पाने की व्यवस्था है, खाना पाना बनवाओ कुछ। जा रहे ना, जा रहे। ना, आप कहीं ना जाओ, नहीं तो हमारा खाना खराब हो जाना है। अरे जाओ तुम। अरे जा रही हूँ फिर। पापा मैं आ गई। अरे वाह मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। आओ बेटी इनसे मिलो, ये है लंबापुर के लंबे कारोबारी लंबरदार लंबर राम। अच्छा वो आप है जिनसे हर चीज लंबी जुड़ी हुई है। Myself डालिया and myself सेवराम। बस Myself लंबराम। फिर ये कौन है? ये मेरा नौकर है और बड़ा ही जलील है और बदतमीज भी। आपको बीच में बोलना जरूरी है? अरे आप बदतमीज बोलना भूल गए थे ना। आप लोग बात करो, मैं एक मिनट में आता हूँ। ठीक है बैठो। आपका नाम बहुत बढ़िया लगा, नाम ही ऐसा है मजा सा आ जाता है। आप तो बस हाँ कर दो एक बार। सच में आपको हम इतने पसंद आए? बहुत नहीं बहुत ज्यादा। सबको नमस्ते। नमस्ते डालिया, कौन है ये लोग? Myself लंबाराम और ये मेरा नौकर सेवाराम। पापा जी क्या कह गए? ये बड़ा जलील और बदतमीज इंसान है। अरे ना ना, नौकर भी तो इंसान होते हैं। सोनिया जी ये मेरा मालिक मुझ पे बड़ा जुर्म और अत्याचार करता है। क्यों जी, क्यों जुल्म करते हो इस बेचारे पे? ना ना, इसमें तो हम कुछ फर्क ही नहीं समझते। झूठ बोल लिया। चलो कोई ना। बैठ जाओ। परगो। ए, नौकर होके मालिक की बराबर में बैठना चाहता है? रेट। अरे वो भी तो बैठी है, देखी तो बैठी है वो। वो तो पतली दुबली है। अरे बिठा लीजिए ना, आखिर नौकर भी तो इंसान होते हैं। आप ही बताइए किस तरह बिठाऊं, इस पे हा जगह। कुर्सी को उल्टी करके बैठ जाइए। उलट के? इस पे कैसे बैठे जाएगा? एक मिनट के लिए उठिए, मैं बताती हूँ। ये चार टांग दिख रही है? हाँ। इन पे चार लोग बैठ जाएंगे, तुम दोनों से ना बैठे जा रहा। बैठ तो जाएंगे पर उठते हुए फट जाएगी। तेरे चक्कर में मैं अपनी भी फटवा लूं। तुझे बैठना है? हाँ। बैठना है ना? हाँ। रुक अभी। आइस पे बैठ। मिली सही कुर्सी? चुप रे आ, कुछ पिस्तौल सी लग रही है। हाँ बंदूक लगा के आया। शादी वादी टाए टाए। हाँ टाए टाए। लंबा राम जी इतना जुलम ना करो, आखिर नौकर भी तो इंसान होते हैं। जब नौकर इंसान होते हैं तो मालिक भी तो इंसान होते हैं ना। ओए नीचे करीने, मैं अपने मालिक के ऊपर किसी को पहने रखन देता। रखने दे, मुझे अच्छा लगता है। अरे मुझे नहीं लग रहा है ना। अबे ओए मैं ये देखना चाहती थी मेरा होने वाला पति मेरी कितनी खिदमत रखता है। हम तो इस काम में एक्सपर्ट हैं। वो कैसे? ये तो हमारा खानदानी काम है। क्या? अरे तुम सारी बातें छोड़ो, तुम बस हाँ करो, हम तो डालियों पे फूल यहीं खिला देंगे। कहीं कहीं तो इन्होंने डालियों पे काशी फल तक खिलाए रखे हैं। क्या काशी फल? लेकिन काशी फल तो बेल पे लगते हैं। अरे तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, इसकी तो आदत ही मजाक करने की है। चलो सब बात छोड़ो, नंबरदार जी एक बात बताओ, तुम्हारे पास जमीन कितनी है? अरे जमीन, जमीन की बात कर रही हो? लंबेपुर में लंबी लंबी जमीनें हैं इनकी, लंबी लंबी दुकानें हैं, शहर के सबसे बड़े आदमी है ये। तुम घबराओ मत, लंबरदार का काफी लंबा चौड़ा कारोबार है।
लंबे कारोबार वालों, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? जान मांग के देख लो, पीछे नहीं हटेंगे। अरे हमारा मतलब ये है कि आप हमें क्या दे सकते हो? काशी फल, लंबा वाला। काशी फल, लंबा वाला? आप मांग कर तो देखो, क्या लोगी? हमें तो बस रॉयल्स रोल ही दिला दीजिए। अरे टेंशन मत लो, मिल जाएगी। और बोलो कुछ। तुम्हें हर बात का पता है, मालिक तुम हो या ये? अरे मालिक तो मैं ही हूँ, ये तो नौकर है। चलो ये सब छोड़ो, हमारी डालिया को पानी हिल पे एक बंगला जिस पर अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पे उतरे, बस ये चाहिए। बेटे गलती से भी हाँ मत कर दिए, नहीं तो जमीन के साथ साथ फटा हुआ घुटंदा भी चला जाएगा। देखो भाई, ये तो बहुत महंगा सौदा है। हाँ कुछ और मांगो। देखो जी, ना तो हाँ करो नहीं तो रिश्ता कैंसिल। अरे कुछ तो सोचो यार। ऐसे कैसे सोचो, क्यों लंबे पुर के लंबे कारोबार वाले लंबा राम जी यहाँ कैसे छोटे रह गए? सही कह रही है डालिया, या तो हाँ करो वरना रिश्ता कैंसिल। चलो जी ठीक है। चलो फिर ठीक है, सब कह रहे हैं तो ठीक है। ठीक है ठीक है, कम से कम तुम राजी तो हो जाओ शादी के लिए। हाँ राजी हैं। और तुम भी बता दो। हाँ हाँ। जीते रहो, सदा सुखी रहो। जमींदार जी, हो सका तो मुझे माफ करना। क्यों भाई? असली मालिक मैं हूँ, यो तो मेरा नौकर है। वो तो मैंने अच्छी लड़की तलाश करने के चक्कर में नौकर और मालिक की अदला बदली कर दी थी। और हाँ, हमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। असली जमींदार की बेटी तो मैं हूँ, सोनिया। नहीं ये नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब के साथ नहीं करा सकता। अरे पापा जी गुस्सा मत करो, अब तो जोड़ी बन गई, ऊपर से बन के आती है, भगवान ने जो करा उसे एक्सेप्ट करो। हाँ पिताजी, अब हम भी एक दूसरे के हो चुके हैं। और हम भी पिताजी, भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन आपकी बेटी को कभी दुखी नहीं रखूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। ससुर जी मैं बड़ा खुश हूँ, भले ही मेरी शादी एक नौकरानी से हुई है लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि इसने मुझे गरीब जानते हुए भी मुझसे शादी करी, मैं बड़ा खुश हूँ। गुस्सा ना करो ससुर जी, भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन आपकी बेटी से बहुत प्यार करूँगा। हाँ पापा, मैं लंबा राम के साथ खुश रहूंगी। क्या तुम सच में लंबरदार हो? और क्या, मेरी तो किस्मत खुल गई। वाकई किस्मत का खेल भी निराला है, मैं अपनी बेटी की शादी किसी अमीर लड़के के साथ कराना चाहता था लेकिन उसकी शादी एक नौकर के साथ हुई। चलो ठीक है, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। देखो मालिक, मुझे जिम्मेदार की लड़की सोनिया मिली और तुम्हें नौकरानी डालिया। चलो कोई बात ना, वैसे भी मैं अमीरी गरीबी में फर्क ना समझता, मुझे लगता है कि पति पत्नी में प्यार और भरोसा होना जरूरी है ना? काश लंबा राम भी अमीर होता। लंबा राम, आज मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। राज की बात? कौन सा राज की बात? तेरी माँ हमारे यहाँ काम करने आवे थी तो चिड़िया तो उड़ गई लेकिन अंडा वहीं छोड़ गई। कैसा अंडा? अंडा मतलब तू। क्या मतलब? अरे मतलब चिड़िया तेरी माँ और अंडा तू। तो चिड़ीमान कौन था? चिड़ीमार मेरा बाप। क्या? और नहीं तो क्या?